प्रथम लणां श्री गुरु वंदन कर श्री हरिदा विपुल प्रेम निज नेम गहि कहे सुजस विहारिन्द गुरु सेवत के अपने को प्रतिपा अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खो रे कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कछु मैं तेरी हूँ नागरी होई भगत ताते तुम सो कहत हूँ मैं चापने पार भूल छुड़ाओ लड़ली समझ दियो भरपूर यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मेरी लाज लाडली तो ही सभी तिहारे हाथ श्री बिहार दास को अवनान गति तुमरे चरण कमल नमन श्री बिहारी नाश को अवनान गति तुमरे चरण कमल श्यामा मेरी प्यारी प्यारो कुंज बिहारी श्यामा मेरी प्यारी प्यारो कुंज बिहारी श्यामा मेरी प्यारी प्यारो जय जय श्री हरि दास दुलारी जय जय श्री जय जय श्री हरि दास दुलारी श्यामा मेरी प्यारी प्यारो कुंज बिहारी
श्याम में जय जय श्री हरि दास दुलारी जय जय श्री हरि दास दुलारी श्यामा मेरी प्यारी प्यारो श्यामा मेरी प्यारी प्यारो कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी जय जय श्यामा मेरी प्यारी प्यारो कुंज बिहारी श्यामा जय जय श्री हरि दास दुलारी जय जय श्री हरि दास दुलारी स्वामी जी महाराज की जय बिहारी जी महाराज की वृंदावन चंद जू की जय श्री गुरुदेव शरणारविंद की जय 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 श्री हरिदास जय जय श्री हरिदास स्वामी जो महाराज रसिक प्रेमी जनों हम समस्त आश्रय जन स्वामी जी की कृपा से स्वामी जी महाराज की प्रशस्ति श्रवण कर रहे श्री स्वामी बिहारेन्द्र जी महाराज की वाणी के अनुसार पूर्व प्रसंग में आप प्रेमी जन ने समझो साधन सिद्ध विरोध नहीं निज श्री हरिदास भजे भजिए हरि चाहे साधक अवस्था है चाहे सिद्ध अवस्था है काऊ भी अवस्था में विरोध नहीं श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास श्री स्वामी हरिदास हरि श्री हरि के निज प्राण जो समझे या संधि कु सोई रसिक सुजान श्री स्वामी हरदास हरि श्री हरि के निज प्राण स्वामी हरदास जी महाराज साक्षात हरि हैं और हरि के वो प्राण स्वरूप हैं व्यारी व्यारिन के सखी तोते अधिक न जानियों को कहे सो लागो पाए व्यारी व्यारिन के प्राण स्वरूप हैं कहमे हैं आचार्य मानुभाव कृपया ललिता हरिदास उदेन निज नित्य विहार सुखम दधितुम भजतात्र ततु हरिदास मये रसिका रसिको बचसा मनचास धिया हे रसिक जिनो नित्य विहार की चाहना है मनते बचनते कर्मते
मनसा ध्या, स्वामी जी महाराज को नाम जाप करो। कृपया ललिता हरदास उदयन नित्य विहार सुखम दधितुम, एकमात्र स्वामी जी महाराज को प्राकट्य नित्य विहार को दैवे के ताई भयो। स्वामी जी महाराज अतीव दुर्लभो नित्य विहारो, ललिताम बिना यतस्तम याचते नित्य विहारी ताम सखीम प्रति। बिना श्री ललिता जी के, बिना स्वामी जी महाराज के निर्वध नित्य विहार काउ को प्राप्त हो ही ना सके। ऊंची नित्य विहार की श्री हरदासी तो जो समझे जा संधि को, सोई रसिक सुजान, वही रसिक सुजान है। बहुत प्रकार के कथा प्रसंग होते हैं प्रेमी जनों, हरि की हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहें सुने भौवित बहुसंता, बहुत प्रकार से संत महापुरुष कहते चले आए हैं। लेकिन प्रेमी जनों, रसिक जनों, केवल और केवल स्वामी जी की वस्तु प्राप्त करवे के ताहीं, ठीक है सिद्धांत तौर पर प्रारंभ की स्थिति में या मध्य में भी, जैसे जैसे कोई दृष्टांत रूप में कथा श्रवण करनो करानो कहनो सुनो अनिवार्य है। दृष्टि हो दृष्टांत हो प्रत्यक्ष प्रमाण, क्योंकि दृष्टांत देवे ते दृष्टि उजागर होवे है, वस्तु समझ में आवे है। बाकी हमको पूरे जीवन पर्यंत स्वामी जी महाराज की प्रशस्ति, सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा, एक बार स्वामी गुण गाए तो आवागमन भरम मिट जाए। मन को प्रसन्न करवे के बड़े बड़े सौदा हों में हैं, लेकिन प्रेमी जनों सत्संग वार्ता वृहद हरि की कथा सुनते सुनाते करते मन को यहाँ केंद्रित करना है कि अब हमको केवल और केवल स्वामी जी महाराज को ही सुजस श्रवण करना है, बिहारी विहरन को ही सुजस श्रवण करना है। यहाँ नो है सभी कथा वार्ता सुनने को सार यह है, सब सारन को सार सुन, सब तत्वन को तत्, विहारिदास अनन्य मत बड़ो ममत्व एकत्व। ये अनन्य मत बड़ो ममत्व और एकत्व, बिना ममत्व एकत्व न ऐसा जगते भगत घनेरा, प्रभु जी हो तेरा तू मेरा, ये समझना है। स्वामी जी महाराज की प्रारंभिक स्थिति वाले साधकों को ऐसा लगता है या लगता होगा कि कोई कथा वार्ता बड़े बड़े दृष्टांत प्रसंग सुनने में रुचि आवे, एक ताजगी सी पैदा होती है। ठीक है प्रेमी जनों, बीच बीच में वो भी होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज़्यादा नहीं। आचार्य महानुभाव श्री स्वामी बिहारेन्द्र जी महाराज अपने वाणी साहित्य में जो लेखन किया है हमारे हित में, हमारे तुम्हारे सब हित में, हमको उलट पलट के इन्हीं वाणियों में अवगाहन करना ये वस्तु की प्राप्ति का लक्ष्य है। नहीं तो भक्तमाल की कथाएं हैं, श्रीमद् भागवत जी की कथाएं हैं, मानुभाव कहते चले आए, कह रहे सुन रहे हैं, उनका कोई प्रसंग उठा लेते हैं तो महाराज घंटों चला जाएगा, और कहते सुनते भी हैं, लेकिन आखिर आना पड़ेगा यहाँ के स्वामी जी के श्री चरणों में, हमारा मन कैसे लगे। इसलिए श्री हरदास गाऊं, श्री हरदास गाऊं, श्री हरदास गाए गाए विपुल प्रेम पाऊं। इसलिए जैसे भी बने सुजस श्री हरदास को श्रवण भर सर्वदा। कुछ अटपटा सा लगता है प्रारंभिक साधकों को, क्योंकि ये मन है ना नई नई खुराक चाहता है, नई नई, किसी को कहें कि केवल तुम जो है एक ही वस्तु को सेवन करते रहो करते रहो, ये भी अनन्य भाव है,
तो अनन्य भाव में मन ठहरने में एक ही वस्तु का श्रवण करते 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 कुछ उबन सी होने लगती है, लेकिन जब विवेक सिद्ध होता है, समझ में आता है, एक और एक ही के सेवन करना है हमको, ज़्यादा हमको बिखराव, बिखरी वाणी कहने से, नाना प्रकार की बिखरी वाणी कहने से वो समय कहाँ से आएगा। यथार्थ में समय का सदुपयोग, जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्वामी जी महाराज का सुजस, बिहारी विहारन का सुजस, इसी में मन को, इनकी वाणी में ही मन को, वाणी साहित्य ने बिहारन देव जी महाराज, श्री ललित किशोरी देव जी महाराज आदि आदि आचार्य ने जो कुछ वर्ण, श्री अरदास कहो सो काऊ ने न लहो, स्वामी जी महाराज ने जो कहो कोई लेबे को तैयार नहीं भयो। इतनी महंगी वस्तु है ये निपट नित्य विहार है, ये अनन्यन को धन है, ऐसा अभ्यास पड़ा हुआ है, कुछ और चाहिए, कुछ चटपटा चाहिए, कुछ नाना प्रकार का ऐसा चाहिए, उसमें फिर मन लगता है, और इसमें उन्हीं सूरवीरों का मन लगेगा जो यथार्थ में स्वामी जी की वस्तु को प्राप्ति करने का लक्ष्य लेके बैठे। तजे प्रवृत्ति निवृत्ति रहे नितिन के पासा, श्यामा श्यामा खंड मिलन की जिनके आशा। श्यामा श्याम का निर्वध नित्य विहार अखंड मिलन है, एकमात्र जिन रसिक मानभावों के हृदय कमल में ये आशा है, उन्हीं का संग, उन्हीं का सत्संग, उन्हीं के वचन, उन्हीं का रंग, उन्हीं का ढंग, सब कुछ उनका चाहिए, तब ये जीवन सफल होगा। कभी कुछ कभी कुछ चटपटे में और नाना प्रकार की वहरंग वृत्ति में, क्योंकि वहरंग वृत्ति का भी परमार्थ होता है, कभी कुछ चाहिए कब कुछ, इसमें नहीं, एक आस एक वास, बोलो बिहारी जो मन, सब कुछ यही तो मन दृढ़ करना है। मन में अलसान आती है बार 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 उन्हीं वस्तुओं को सुनने में, लेकिन ये अनंत जन्मों से भटका हुआ जी बहुत जगह भटकता है, परमार्थ में भी रहा होगा लेकिन बहुत जगह भटका परमार्थ, लेकिन एक रास्ते को पकड़ना है, रोहिहरि जो मन कम लगे ज्यादा लगे, जब वस्तु समझ में आ जाती है, जब अपने इष्ट से प्रगाढ़ प्रेम होता है, तो ये मन फिर और कुछ सुनना ही नहीं चाहता है, ये पहचान होती है कि हमको तो केवल और केवल अगर सुनना है तो स्वामी जी का सुजस सुनना है, बिहारी विहारन का सुजस सुनना है, आचार्यों की कृति वृत्ति, कैसे हमारे आचार्य जन हुए, कैसे कैसे, यही सुनना है। इनके सुनने से क्या होगा, ये मन वहीं की वहीं रहेगा और समय का सदुपयोग पूर्ण रूपेण होगा। बोलो स्वामी जो तो प्रेमी जनों, ये समझना बड़ा जरूरी है, इसलिए आलस नहीं मानना है, बराबर पान करते चलो। प्रवक्ता लोगों के ऐसे से जो है सुंदर उपाख्यान होते हैं महाराज, सबके मन झूम उठते हैं, बहुत प्रकार की नई 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 कथाएं वार्ताएं शास्त्रों से पुराणों से देते हैं, तो यहाँ स्वामी जी के घराने में उतना नहीं, ये नहीं, केवल और केवल सीमित रूप से, लेकिन प्यारे हो इसको पान कर ले, हृदय में बसा लेगे, ये निजी वस्तु है, तो सब क्लेश समाप्त हो जाएंगे। स्वामी जो महाराज श्री हरदास नाम जाप, स्वामी जी के चरणों में अनन्य भाव, वृंदावन वास, दीनता नम्रता, ये मुख्य 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 ये चीज, रजमय भाव, आठ वार्ताएं कहीं श्री ललित किशोरी देव जी महाराज ने आप प्रेमियों को पहले बता चुके हैं, मुख्य मुख्य आठ वार्ताएं बताई, प्रसाद सो प्रतीत, हरि के प्रसाद को हरि स्वरूप ही माने, बिहार जी महाराज के प्रसाद को बिहार जी स्वरूप ही माने, रजसो भाव, वृंदावन की रजसो भाव, श्रीमद् भागवत जी सबके सब वृंदावन के रज की महिमा रसिक जन कहते कहते अघामे ना हैं, प्रसाद की महिमा, रज की महिमा,
कंठी तिलक स्वभाव, और चौथी वृंदावन ते बाहर निकसवी को मनोरथ न करे, वृंदावन अखंड भाव मन में भी न लाए, जाए वो तो बहुत दूर। सहस नहीं श्याम के बन बस अनतन जाए, और जी रांची सारे देशों जहां तहां ललच, काहू पे कछु मांगे नहीं अपने स्वार्थ के लिए, काय काज न कर कच करे, हरिरत हो तो करत न डरे। अगर कोई संकेत और कहने सुनने से कोई परमार्थ बनो है, हरिते संबंध प्रगाढ़ है रहे हो, सब जन को भलाओ है रहे हो, अपनी स्वार्थ परतता नहीं होनी चाहिए मांगने में तनक भी, तो बात अलग है। काऊ पे कछु मांगे नहीं, आचार्य मान भावों की तो ऐसी रीति थी कि महाराज मांगबे की क्या चले, कोई दे तो वह ले में भी ना है। बोलो बिहारी जू महाराज, जिन्हें व्यसन निज कुंज लता को, काऊ के घर द्वार न उजकत, जिन्हें व्यसन निज कुंज लता को। लेकिन हम आप प्रेमीजन इस विशिष्ट रीति को नहीं चला सकते हैं, लेकिन आदर पूरा हृदय से करेंगे कि धन्य हो व्यारण देव जी महाराज, आपकी रीति, ललित किशोरी देव जी महाराज की रीति, एक कुछ भी नहीं मांगना जीवन पर्यंत। व्यारण देव जी महाराज की ऐसी रीति थी, जीवन पर्यंत एक दवाई की गोली नहीं खाई, ऐसे व्यारण देव जी महाराज, उनकी ऐसी रीति थी। धन्य हो व्यारण देव जी महाराज, हम ऐसे नित्य सिद्ध महापुरुषों के दास हैं, दासानुदास हैं। बड़ा सौभाग्य है हमारा, स्वामी जी महाराज ने अपने चरण शरण में लिया, ऐसे दास हैं, ऐसे इनकी वाणी है, ऐसे महापुरुषों की वाणी है ये। लेकिन श्री बाद में आचार्य मानभाव कह रहे हैं कि जल फल औषधि जो कछु खाई, और गुरु गोविंद ले चढ़ाई। व्यारंद जी महाराज कह रहे हैं कि औषधि वैद करो जिनको, पहले राण वैद की हो, कि औषधि नहीं करनी है कोई भी, अगर शुद्ध परमार्थ के राही हो तो तुम सहन करिए जो प्रारब्ध का भोग है। अब ये सबके बस की तो बात नहीं। बाद में आचार्य मानभाव कह रहे हैं भैया व्यारंद जी महाराज की एक एक शब्द का आदर करते हुए, अब थोड़े से अपने भजो वित्त माफिक, अपने वित्त के अनुसार वित्त माफिक, नित्य सिद्ध महापुरुषों की वार्ता को सुन के, लेकिन अपने अब वित्त के माफिक उनकी बात का आदर करो, और जितना चला जाए उतना चलो, कोशिश करो पूरी, और प्रार्थना करो दीन भाव से। तो बाद महाराज बोले कि जल फल औषधि जो कचुखा, और गुरु गोविंद ले चढ़ाई, ये नरम करके बोल दिया बाद में महाराज महापुरुषों ने, कि व्यारंद जी महाराज की वाणी और वेदन की नानी। बोलो व्यारी जी महाराज, सहज इसको स्वीकार प्राप्ति है, कोई रोक ही नहीं सकता है, लेकिन पूरी तरह स्वीकार आप नहीं कर सकते हो, आदर करो पूरा, और जितना स्वीकार हो सके अपने वित्त के माफिक स्वीकार करिए। तो जल फल औषधि जो कछु खाई, भैया जल फल समय पे औषधि भी तुमको लेनी पड़े तो बिहार जी महाराज के अर्पण कर लो, गुरु गोविंद ले चढ़ाई, उन श्री हरदास नाम लेके और ले लो, कम से कम ज्यादा जरूरत में औषधि वगैरह ले। बोलो स्वामी जो महाराज, तो ये है व्यारण देव जी महाराज की रहनी, कैसी रहनी महाराज, उनका चिंतन करते ही मन में वैराग्य झलकने लगता, आने लगता सहज भाव से, ये व्यारण देव जी महाराज की वाणी है। तो महाराज बोले अपनो बपवान सुठान धर्यो, धर द्वे निज रूप चलो अचलो,
जितो परमार्थ की चित चाय तो सूरे कूर विचार बलो। श्री बिहारिन दास बिलास ही गावत रास में बोल लियो विपुलो। निज ना तो निह निवाहत हैं सियरदास भजे हरि माने भलो। महाराज श्री बहुत मर्म बताए भी लगे, अति गूढ़ बात बताए भी लगी। अपनो बपवान सुठान धर्यो एक ही वस्तु के दो स्वरूप हैं। कौन से? अपनो बपवान सुठान धर्यो धर द्वै निज रूप चलो अचलो। द्वै स्वरूप हैं वस्तु के, एक चल रूप में एक अचल रूप में। चल रूप में तो स्वामी जी महाराज और अचल रूप में बिहारी जी महाराज। बोलो बिहारी जी महाराज, बोलो स्वामी जी महाराज। तो परमार्थी जनंते कहवे लगे, चल रूप में तो स्वामी जी ने कृपा करी और अचल रूप में बिहारी जी कृपा कर, दोनों ही उनके स्वरूप हैं। जो तो परमार्थ की चित चाय तो सूर्य कूर विचार बलो। तुमको परमार्थ की चाह है तो अब तुमको समझना है कि विशेष रूप से हमको कौन का सेवन करना है। बिहारी जी महाराज तो ऐसे कामना कल्प तरु हैं कि जो जैसी कामना करेगा बाकी वैसी पूर्ति करेंगे, ऐसे स्वामी जी हैं। लेकिन प्रेमी जनों सर्वोपर नित्य निपट रस और सर्वोपर सुख तो स्वामी जी के चरणन में प्रीत करवेते मिलेगी। यानी दूसरे शब्दों में ये भी समझ लो, ये बिहारी जी के दर्शन तुम जो कर रहे हो, ये बिहारी जी महाराज के दर्शन कर लियो, इनते जो कामना करनी हो कामना कर लियो, तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन को कहे कि हमको तो धन ना चाहिए, हमको तो धनी चाहिए, तो ये धनी तो स्वामी जी के हाथ में है, स्वामी जी को भजन करो तो धनी तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। बोलो स्वामी जी, ये बिहारी जी स्वामी जी के हाथ में, स्वामी जी के अंक में है, ये बिहारी बिहारी उनकी गोद में है। लगी समाध बिहार की छूटे नहीं दिन रैन, गौर श्याम बिलसेंस दास श्री हरिदासी एन। इसलिए बिहारी बिहारन को बाकी बिहारी जी महाराज को सर्व सुखन को चाहो तो श्री हरदास नाम रुच, श्री हरदास नाम सोचे और श्री हरदास नाम लिए जाए दुख दोष मुझ, सब कुछ वस्तु प्राप्त हो बैगी। श्री हरदास गाऊं, श्री हरदास गाऊं और श्री हरदास गाए गाए विपुल प्रेम पाऊं। अगाध प्रेम सर्वोपर प्रेम नित्य प्रेम निपट प्रेम तुमको निश्चित ही प्राप्त हो जाएगा। जो असंख्य जन्मों में जो बात नहीं बनी अब ही बन जाएगी। स्वामी जी के श्री चरणों में अनुराग कर बेते, श्री हरदास नाम जाप कर बेते, अनन्य भाव दृढ़ भाव। तो जो तो परमार्थ की चित चाह तो सूर्य कूर विचार बलो। श्री बिहारिन दास बिलास ही गावत रास में बोल लियो विपुलो। निज ना तो नेह निवात हैं सिरदास भजे हरि माने भलो। स्वामी जी महाराज जब परोक्ष रूप में है गए तो श्री बीठल विपुल देव जी महाराज ने आंखें ते पट्टी बांध ली। जो के बिहार जी महाराज विराजमान है, बिहार जी महाराज के दर्शन नहीं किए तो बिहारी जी महाराज या अगाध निष्ठा पे कि स्वामी जी के चरणों में कितनी अगाध निष्ठा है वापे प्रसन्न है गई, और या शरीर सहित ही श्री बिठल विपुल देव जी महाराज को, श्री बिठल देव जी महाराज शरीर नहीं त्यागा, सहज सहज श्री स्वरूप नित्य कुंज महल में आप बुला लिए। बोलो बिहारी जी,
प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो गई। स्वामी जी के चरणों में अगाध निष्ठा होने के कारण बोलो बिहारी जो माने तात्पर्य क्या निकलो कि स्वामी जी के श्री चरणों में जो अनन्य अनुराग करेंगे तभी प्रिया प्रीतम अपनाएंगे। बात ये श्री बिहारिन दास बिलास ही गावत रास में बोल लियो विपुलो। हाँ, नाना प्रकार की मनोकामना है, जैसे जैसे जिनके भाव हैं बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में अनुराग करेंगे, दर्शन करेंगे, सबकी मनोकामना। लेकिन निजी सुख परम सुख चाहिए तो स्वामी जी के चरणों में अनुराग, श्री हरदास नाम जाप, रसिक जनन को आश्रय, ये लेनो ही पड़ेगा। निज ना तो नेह निवाहत हैं श्री हरदास भजे हरि माने भलो। बिहारी बिहारी न श्री हरदास नाम भजे हैं जो जन बहुत भलो माने हैं, प्रिया प्रीतम प्रसन्न है जामे हैं, तो ये मरम की बात श्री स्वामी बिहारी जी महाराज ने अपने दासन को बताई। बोलो स्वामी जो मन मेरी भजी ले कुंज विहारी, मन मेरी भजी ले कुंज विहारी, मेरे बाकी बिहारी कुंज विहारी, मन मेरी भजी ले कुंज विहारी, मन मेरी भजी ले वृंदावन सब सुख सागर रूप उजागर, सब सुख अंग संग प्रीतम प्यारी प्यारी, अंग संग प्रीतम वृंदावन घन नवनी कुंज केल करत भुज चारी चारी, केल करत भुज मन मेर भजिल कुंज विहारी, मन मेर भजिल बिहारी बिहारी न दास लड़ावत, बिहारी 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 दास लड़ावत, बिहारी जीवन प्राण हमारी हमारी, जीवन प्राण हमारी हमार, मन मेरी भजिल कुंज विहारी, मन मेरी भजिल मन मेरी भजिल कुंज विहारी। श्री स्वामी जी महाराज की, बिहारी जी महाराज की, वृंदावन चंद की, समस्त आचार्य वृंदन की, गुरुदेव शरणारविंद की, रंगीली बिहारी बिहारिन की, रंगीली प्रिया बिहारी बिहारिन की, समस्त प्रेमी परिकर की जय। जय जय श्री हरिदास, जय जय श्री हरिदास।